साईयो। आराम से आराम से बाबा यहां बहुत दर्द है। उंगलियों में नहीं, घुटने और जांघ में दर्द है। सबूरी रखो, पैर तो ठीक हो गया। ये जरूरी नहीं कि जहां परेशानी हो निदान भी वहीं से मिले, और इलाज करते वक्त अक्सर लोग यही गलती करते हैं। मर्ज की नींद कहीं और होती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, कल जाधव वहिनी के यहाँ पापड़ बेलने हैं। तू वक्त निकाल कर चली जाना, पैसे मिलेंगे तो कुछ मुश्किल कम होगी ना। धन्यवाद काकी, मैं जरूर जाऊंगी उनके यहाँ। आई, अब तो चांद भी निकल आया है, पापा कब तक आएंगे? भोला बेटा, तेरे बाबा बहुत काम करते हैं इसलिए देर से आते हैं। जा सो जा, और हाँ, ये तेरी आजी तेरे बाबा की अच्छे से खबर लेगी, फिर देखना कल से समय पर आएंगे वो। जा भोला, सो जा। नहीं आई, आप रोज रोज मुझे बाबा के आने से पहले ही सुला देती हो, आज तो मैं बाबा से मिलकर ही सोऊंगा। भोला, बाबा को देर होती है ना आने में, आज भी देर होगी। हाँ, तू इतनी देर तक इंतजार नहीं कर पाएगा, जा सो जा। लेकिन क्यों, आप रोज रोज मुझे उनके आने से पहले क्यों सुला देती हो? भोला बेटा, कहा ना, तुम्हारे बाबा बहुत काम करते हैं इसलिए थक जाते हैं, फिर तुमसे बात कैसे करेंगे वो। तुम अच्छे बच्चे हो ना, बड़ों की बातें सुननी चाहिए कि नहीं। तुम जाओ सो जा, कल सुबह जब उठोगे ना तब अपने बाबा से मिलना और तब उनके साथ खेलना। हाँ, जाओ सो जाओ। रोज भोला को इनके आने से पहले सुला देती हूँ, मुझे पता है अपने बाबा को राक्षस होते हुए नहीं देख पाएगा वो। खाओ।
आई, लगता है बाबा आ गए। भोला तू सो जा अभी, वरना बाबा गुस्सा करेंगे। उठना नहीं है। मोरेश्वर दादा आप अभी तक नहीं आए काशी? कैसी पत्नी हो तुम, काशी को रोकती टोकती क्यों नहीं हो? आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करती? जब वो अपने बाबा की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? जैसे काशी में इच्छा शक्ति की कमी सुधरने की, वैसे तुम में भी कमी है संकल्प शक्ति की, वरना पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? उसे मेरा उदाहरण दो, उससे कहो कम से कम अपने बड़े भाई से कुछ तो सीखे। उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं हूं उससे, लेकिन उससे 10 गुनी ज्यादा मेहनत करके 10 गुनी ज्यादा सफलता अर्जित की है मैंने। जितना मैंने बाबा का सर अभिमान से ऊंचा किया है, उतना ही उसने उनका सिर शर्म से झुका दिया है। बाबा कह रहे थे उसने ताते पाटिल से भी कुछ पैसे लिए, पहले ही कर्जदार है वो लोगों का, अब उसने ताते को भी नहीं छोड़ा। लो रखो, तो कह देना उससे ये आखिरी बार है जो मैं मदद कर रहा हूं उसकी। मैंने ठेका नहीं ले रखा है उसके उधार चुकाने का। हम जरा धीरे बोलिए, बोला सुन लेगा। तो सुनने दो, उसे भी तो पता चले अपने बाप के कारनामे। जब काशीनाथ बाप होकर ये नहीं सोचता कि भोला पर उसकी कारगुजारियों का क्या असर पड़ेगा, तो मैं क्यों सोचूं? अरे जब उसे शराब पीनी है तो पिए ना अपने पैसों से, क्यों लोगों से मांगता फिरता है? और अगर लोगों से पैसे लेता है तो उन्हें लौटाए भी, खुद तो लोगों से उधार मांगकर नजरें छुपा के भागता फिरता है। और झेलना मुझे और बाबा को पड़ता है। मत झेलो ना। शांत हो जाइए। बाबा हैं इसीलिए झेलता हूं, वरना मुझे कोई नहीं पड़ी है। अरे जाओ दादा जाओ, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम मेरी मदद बाबा के लिए नहीं, तुम मेरी मदद इसलिए करते हो ताकि मुझे नीचा दिखा सको। और खुद मान बन सको दुनिया की नजरों में, इससे तुम्हारे अहम को अच्छा लगता है। तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि पैसे वाले अमीर एक सफल जिम्मेदार, और मैं नाकार गैर जिम्मेदार शराब पीने वाला जो लोगों को पैसे उधार मांग मांग कर अपने बाबा का नाम खराब कर रहा है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुमने खुद कोई कसर छोड़ी कहा जो मैं तुमसे? इससे आगे एक शब्द का तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। और कितना गिरेगा तू? अपने बड़े भाई के गिले बांध पे हाथ डालता, अरे लानत है तुझ पे, घिन आती तुझे अपना भाई बोलते हुए। तो महान नहीं बेवकूफ हूं मैं, तो तुझ जैसे आस्तीन के सांप को पालकर बैठा हुआ हूं। दादा ये मैं खुद दादा को दे दूंगा, इसका क्या भरोसा, ये भी शराबी उड़ा देगा।
साईं बाबा, आप तो मेरे लिए भगवान के समान हैं, जो मेरी पीड़ा हरने आ गए। आज रात आपकी सेवा में गुजार कर कल नगर चला जाऊंगा। मुझे सेवा का मौका देंगे ना? जब भी तुमसे बन पड़े किसी ऐसे आदमी की सेवा करना जिसे मदद चाहिए, वही भगवान की सेवा है। बाबा, ईश्वर तो वही होता है ना, जो जरूरत में हमें तारता है। जरूरी नहीं ये हमेशा सत्य हो। जब बच्चा गिरता है तो उसके माता पिता उसे नीचे गिरने देते हैं ताकि वो चलना और उठना सीख सके, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। भगवान भी हमें सशक्त बनाने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए कभी कभी समस्याओं का सामना करने छोड़ देता है, ताकि हम अपने अनुभवों से भविष्य में अपने और अपने प्रियजनों के लिए सही चुनाव करना सीखें, अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारना सीखें। बेटे ने भी अपने बाप का ये रूप देख लिया। साईं, अब आपका ही आसरा है। इस घर की ये तस्वीर अब आपकी कृपा से ही ठीक हो सकती है। दवा हो या दुआ, तभी असर करती है जब बीमार इंसान खुद ठीक होने की नियत रखता हो। मदद को कोशिश का साथ मिलना बहुत आवश्यक है। साई, आपके कहने का मतलब नहीं समझे। साई के क्या है कौन जान पाए। मैंने पानी रखा है, आप नहा लीजिए। मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ इसे? मैंने इतने साल तक कोशिश की थी और कल रात इसने आपका वो रूप देखा जो
क्या हुआ? आई! तो भाग क्यों रहे हो? मैंने इतने साल तक कोशिश की थी और कल रात इसने आपका वो रूप देखा जो पछतावे का मोल तब है जब गलती को सुधारने की इच्छा हो, नहीं तो सिर्फ पछतावा व्यर्थ है। साई, ये आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं? प्रणाम साई। बाबा, मैं बाड़ा साहेब मेरीकर। कुछ समय पहले दासगणु महाराज के कीर्तन में आपके बारे में सुना, तो सोचा आपसे आके मिलूं। ये रामदासी बुआ, रास्ते में मेरी इनसे मुलाकात हुई। बाला साहब जी से आपके बारे में सुनकर मेरे मन में भी आपके दर्शन की इच्छा जाग उठी, तो मैं भी इनके साथ यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया। ये आपके हाथ में क्या सामान है? ये सामान नहीं है, ये मेरी पोथियां हैं। मैं जहां जाता हूँ वहां ये मेरे साथ होती है। बाबा, ये वेद शास्त्र में पारंगत है, पोथियों का गहरा ज्ञान रखने वाले, अपने पोथियों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने ग्रंथों के बिना ये कहीं नहीं जाते। आप दोनों का द्वारका माई में स्वागत है। आप दोनों पहली बार शिरडी आए हैं, हो सके तो कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाइएगा। आपका आदेश सराखों पर सही बाबा, हम दोनों धर्मशाला में ठहर जाएंगे। धर्मशाला में क्यों? आप यहां द्वारका माई में रहिए मेरे साथ। यहाँ यहाँ कैसे रह सकते हैं? यहाँ तो अलग कमरे भी नहीं है और इतनी धूल मिट्टी। साई बाबा, वो क्या है कि मैं दिन भर इन पोथियों का पाठ करता रहता हूँ और यहाँ तो आपसे मिलने बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो मेरा चित्त एकाग्र कैसे हो पाएगा? मन में ईश्वर हो तो भीड़ भरे कुंभ के मेले में भी इंसान ध्यान लगाकर ईश्वर के करीब जा सकता है। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपके मुंह से इन पोथियों का ज्ञान सुनकर द्वारका माई और हम सब भी बहुत धन्य हो जाएंगे। फिर तो मैं यही रहूंगा बाबा,
किसी से भी अपना ज्ञान बांटना ये तो बहुत खुशी की बात है। तात्या, इनके यहां रहने की व्यवस्था कर दो। जी साईं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। जब से भोला ने अपने पिता को नशे में देखा है तब से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। बेचारे के चेहरे से रौनक ही चली गई। लेकिन मेरा डर इससे भी बड़ा है काकी। आज नहीं तो कल जेठ जी ये बात मामन जी को जरूर बताएंगे और उसके बाद जो होगा ये सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी है। तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ, साईं से बात कर ले। मैं भी कल से यही सोच रही थी काकी। अब तो देर कैसी, चल अभी चलते हैं। चल। चल वेणु, तू उनकी ओर ध्यान मत दे। चल। अरे रेणु, ये क्या, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है। सूख कर काटा हो गई है और ये चेहरे पे उदासी। देवा रे देवा, ये क्या, माथे पे चोट कैसी? वो मैं फिसल गई थी। अरे फिसलने का निशान ऐसा तो नहीं होता, झूठ बोलने से सच्चाई थोड़ी ना छुप जाती है। चल रही, बेचारी को देख के बड़ा दुख होता है। इतने बड़े खानदान की बहू, इसकी जेठानी जमीन पर कदम तक नहीं रखती और ये। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती है। दूसरों के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दो। अगर तुम सब समझती हो तो सम्मान करो इसका कि कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है ये। कभी पूछो इससे कि कैसे मदद कर सकती हो इसकी, क्योंकि अगर आज रेणु के घर में कोई समस्या है तो कल तुम्हारे घर में भी कोई और समस्या हो सकती है। क्या तुम चाहोगी कि ऐसे राह चलते लोग तुम पर भी ताना कसे? चल रेणु। रुको, शिरडी के पालनहार कुलकर्णी सरकार को तुमसे बात करनी है। कहाँ गया तुम्हारा पति? दो महीने से मुंह नहीं दिखाया उसने। जानती हो कितना ऋण लिया है तुम्हारे पति ने मुझसे? और वैसे भी पियक्कड़ों पे पैसे लुटाने की मेरी कोई रुचि नहीं है। कब लौटा रहा है मेरे पैसे? जल्दी लौटा देंगे सरकार। मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूं,
इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। जाकर काशीनाथ से कह देना कि कल आकर मुझसे मिले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हरिओम। तू चिंता मत कर, चल जल्दी साईं के पास, चल। साईं, साईं हमें आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? प्रहलाद और चेतन हमेशा हमारे साथ मजाक करते रहते हैं, अभी तो हद ही हो गई। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए बाजार से कचौरी लेके आए हैं, और जब हमने दोना खोल के देखा तो अंदर से छिपकली निकली। हमारी तो जान ही निकल गई थी, और गंगा तो चीख कर गिर पड़ी। साईं बाबा ये गलत है, आप उन लड़कों को डांटिएगा। जरूर डांटता, अगर लड़कों का इरादा नुकसान पहुंचाने का होता। बाला साहब, हंसी मजाक तो आभूषण है दोस्तों का। मेरी तो तुम दोनों को यही सलाह है कि ये दोस्तों का मामला है, इसे तुम दोस्तों को आपस में ही निपटाना चाहिए। लेकिन कैसे साहब? अगर प्रहलाद और चेतन ने तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया है तो उसका जवाब तुम भी ऐसे ही मजाक से दो। आप ठीक कह रहे हैं साईं, प्रहलाद और चेतन चाहे कुछ भी करे, वो मिष्ठान पकवान को कभी ना नहीं कहते। हम उनके लिए गुजिया बनाएंगे जिसके अंदर मिर्ची होगी, और उसे खाते ही उन दोनों को उनकी नानी याद आ जाएगी। बस ये ध्यान में रहे कि गुजियों में मिर्ची बहुत ज्यादा ना हो। एक गुजिया में एक भी हो तो भी उनके लिए ज्यादा होगा। बस उन तक ये संदेशा पहुंचे कि जिस तरह वो मजाक कर सकते हैं वैसा ही मजाक उनके साथ भी हो सकता है। ध्यान रहे, मजाक उतना ही अच्छा जिससे किसी को कष्ट दुख ना पहुंचे। ठीक है साईं, हम अभी जाके मिर्ची की गुजिया बनाते हैं। मैंने तो सुना था सिद्ध योगी है ये। योगी तो धीर गंभीर और विचार गंभीर होते हैं। बच्चों के साथ उनकी बचकानी हरकतों का हिस्सा बनना शोभा देता है क्या? लगता है कभी पोथियां नहीं पढ़ी होगी, इसलिए ज्ञान का अभाव है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.